नेक्स्ट ऑप्शन है अर्लियर मॉनिटरिंग स्टेटस। इस विकल्प पर क्लिक करके विभागों की सभी शिकायतों का विवरण ग्राफिकल प्रारूप में एक डैशबोर्ड के रूप में देखा जा सकता है। डैशबोर्ड में डेटा पिछले आधी रात तक अपडेट किया जाता है। जैसा कि इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि केस डील्ड बाय डीडीपीओ कैथल, टोटल रिसीव, टोटल कंप्लेंट रिसीव्ड हुई है 789, जिसमें से न्यू कंप्लेंट है 2, पेंडिंग 68, ओवरड्यू 54 और टोटल 122। क्लैरिफिकेशन सीख की गई है 37 के लिए, डिस्पोज हुई है 643 और एटीआर सेंड की गई है 22 कंप्लेंट्स की। अब इसको ग्राफिकल वे में भी देख सकते हैं, जो कि नीचे दिखाया गया है। इसमें देख सकते हैं ब्लू कलर में ये है पेंडिंग कंप्लेंट्स, ब्लैक में एटीआर सेंट, ग्रीन कलर ये न्यू ग्रीवेंसेस दिखा रहा है, ये ऑरेंज कलर ओवरड्यू, और इस कलर में क्लैरिफिकेशन के लिए जितनी कंप्लेंट्स को फॉरवर्ड किया गया है वो इस कलर में ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। इसी के नीचे आप देख सकते हैं कि यूजर ने अपने सबॉर्डिनेट को कितने शिकायतें फॉरवर्ड करी है। इसी विंडो के टॉप पर एक बार है जो कि सीए विंडो से संबंधित अपडेट्स दिखाता है। आमतौर पर इसमें सीए विंडो संबंधी अपडेट्स और विभिन्न मीटिंग्स के लिए प्रेजेंटेशन संबंधी सूचना उपलब्ध होती है। इसको क्लिक करके आप सूचना को देख सकते हैं। डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप सीएम ऑफिस द्वारा समय समय पे जारी की गई सूचनाएं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और मीटिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉग आउट बटन। इस विकल्प का चयन सीएम विंडो में काम पूरा होने पर करना है, ताकि आपके अकाउंट का मिसयूज ना हो सके। इस पर क्लिक करते ही आप सीएम विंडो वेबसाइट से लॉग आउट हो जाएंगे और कोई भी यूजर यूजर नेम और पासवर्ड डाले बिना इसमें लॉगिन नहीं कर पाएगा।